हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। माय नेम इज कलसी। आई एम फादर ऑफ ए वंडरफुल सन, हस्बैंड ऑफ ए कैरिंग वुमेन। आई एम इनटू इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 27 इयर्स एंड आई टेक माय जॉब एज सर्विंग रादर देन सेलिंग एंड आई लव गिविंग प्लेंटी ऑफ एडवाइस इन रियल एस्टेट। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे डैंसी हिल व्यू बाय सरसान अविष्कार प्रॉपर्टीज एट बानेर पुणे। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एलिवेशन है बिल्डिंग का, जिसमें टोटल तीन टावर्स है, A1, A2 और A3। तो पहले डेवलपर ने A1 लॉन्च किया था, जो कि पूरा सोल्ड आउट है। उसके बाद अभी जो सेल हो रहा है वो A2 का सेल हो रहा है, और उसके बाद जो फ्यूचर डेवलपमेंट है डेट इज A3। तो आज हम लोग A2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें सिर्फ 2 BHK के फ्लैट्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस बिल्डिंग में 5 लेवल पार्किंग का दिया गया है, जिसमें 2 लेवल बेसमेंट पे रहेगा, ग्राउंड में रहेगा, और 2 लेवल पोडियम के ऊपर रहेगा, और उसके ऊपर 21 हैबिटेबल फ्लोर्स है। और यहाँ पर इस बिल्डिंग में A1, A2, A3 में जितने भी एमिनिटीज दिए गए हैं वो सारा ग्राउंड फ्लोर पे दिया गया है। और बिल्डिंग के नीचे के तरफ आप देखेंगे दोस्तों, कुछ रिटेल प्लाजा दिया गया है, तो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल बिल्डिंग के नीचे ही मिल जाती है। और वैसे भी कॉम्प्लेक्स काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है एट बानेर, तो इसके सराउंडिंग एरियाज में जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट्स, सारा कुछ आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही अवेलेबल है। हर एक फ्लैट के साथ में आपको काफ़ी बड़ा सा डेक मिलता है विद फ्रेंच कट विंडो, ताकि आपको क्लियर व्यू, ब्राइट लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन मिले। और बिल्डिंग का लुक भी दोस्तों आप देखेंगे काफ़ी एलिगेंट लुक है। इट्स अ लाइटर शेड बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लुक्स वेरी एलिगेंट एंड रिच। तो यहाँ पर दोस्तों मास्टर प्लान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर A1 है, इसके सामने यहाँ पर A2 है, जिसका अभी हम लोग बात कर रहे हैं, A2 का अभी सेल चल रहा है, और A3 जो होगा यहाँ पर आएगा, ये फ्यूचर डेवलपमेंट है। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे ये फ्यूचर डेवलपमेंट है, पर ये दोनों बिल्डिंग की सोसाइटी सेपरेट रहेगी, और ये दोनों बिल्डिंग के क्लब हाउस और एमिनिटीज सेपरेट रहेगा। पर इस दोनों प्रोजेक्ट का जो लैंड पार्सल है वो 3.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जब आप मेन रोड से अंदर आते हो, तो A1, A2 और A3 जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, इस बिल्डिंग का जो क्लब हाउस और एमिनिटीज रहेगा वो यहाँ पर पीछे की तरफ ग्राउंड फ्लोर पर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट नैन्सी हिल व्यू मुंबई पुणे हाईवे के बिल्कुल पास में लोकेटेड है। तो अगर आप मुंबई से अगर आप आते हो तो आपको ऑर्चिड होटल क्रॉस करते हुए आगे गिरमे पार्क बस स्टैंड तक आना है, इसका दूसरा नाम मारुति चौक भी है। तो यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है, और जैसे ही आप 250 मीटर अंदर आते हो तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो इसके सराउंडिंग एरियाज में आप देखेंगे यहाँ पर भावदान है, उसके बाद ऑर्चिड होटल है, हिंजवाड़ी में डीमार्ट है, इस तरफ जियोन मॉल है, इन्फोसिस है, TCS है, और ऑन द अदर साइड यहाँ पर बालेवाड़ी है, यहाँ पर इन्फिनिटी इंटरनेशनल स्कूल है, मोजैक प्री स्कूल, और अगेन यहाँ पर डीमार्ट है। तो USP अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो कनेक्टिविटी वाइज मुंबई बेंगलुरु हाईवे 200 मीटर पर है, मेट्रो स्टेशन 3.5 किलोमीटर, हिंजवाड़ी IT पार्क 8.5 किलोमीटर, पुणे रेलवे स्टेशन 14.3 किलोमीटर एंड पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20.6 किलोमीटर। और स्कूल्स और एजुकेशन पे अगर आप देखेंगे तो आदित्य इंटरनेशनल स्कूल 2.6 किलोमीटर, विबगौर हाई स्कूल 2.7 किलोमीटर, ऑर्चिड स्कूल 3.1 किलोमीटर, डॉक्टर कलमाडी शामराव हाई स्कूल 3.5 किलोमीटर एंड भारतीय विद्यापीठ 3.6 किलोमीटर। और शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो वेस्ट साइड 2.7 किलोमीटर, द ऑर्चिड होटल 2.8 किलोमीटर, डीमार्ट 3 किलोमीटर, बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट 3.4 किलोमीटर, वेस्टर्न मॉल 6.4 किलोमीटर। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में अगर आप देखेंगे तो बेनेकेयर हॉस्पिटल 2.5 किलोमीटर, लोप मुद्रा हॉस्पिटल 2.9 किलोमीटर,
मानिपाल हॉस्पिटल 3 किलोमीटर, जुपिटर हॉस्पिटल 3.7 किलोमीटर एंड चेलाराम हॉस्पिटल 5.6 किलोमीटर। तो ये सारा इकोसिस्टम है दोस्तों इस प्रोजेक्ट का, नैन्सी हिल व्यू बाय सरसान अविष्कार प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर दोस्तों कॉम्प्लेक्स में आपको एमिनिटीज में मेडिटेशन स्पेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज ड्राइववे एंड टू द कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा आपको लार्ज साइज स्विमिंग पूल दिया गया है विथ प्लेंटी ऑफ फॉग लाइट्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट और लश ग्रीन्स इन द सराउंडिंग एरियाज। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी एमिनिटीज है वो सारा ग्राउंड फ्लोर पर दिया गया है। काफ़ी बड़ा सा लॉन है, कुछ सिटिंग परगोलाज है और प्लेंटी ऑफ प्लांटेशन दिया गया है इस कॉम्प्लेक्स में। और पीछे की तरफ आप देखेंगे जो कार पार्किंग है डेट इज थ्रू रैम्प। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर भी आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सा लॉन है और अगेन पीछे की तरफ आप देखेंगे वॉकिंग ट्रैक है और प्लस लश ग्रीन्स दिया गया है। तो काफ़ी वेल डिज़ाइंड और वेल प्लान कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। इसके अलावा आपको स्पेशियस किचन मिलता है जहाँ पर आप लार्ज साइज फ्रिज रख सकते हो, प्लस यूटिलिटी स्पेस होगा, लार्ज साइज बेडरूम दिया गया है और कार पार्किंग के लिए सफिशिएंट स्पेस दिया गया है, प्लस डबल हाइटेड लॉबी एंट्रेंस होगा विद रिसेप्शन काउंटर, सिटिंग अरेंजमेंट एंड प्लेंटी ऑफ एलईडी लाइट्स। तो फ्लैट दोस्तों आप अंदर से जैसा आप बनाना चाहे वैसे आप बना सकते हो। यहाँ पर आप बच्चों के लिए स्टडी टेबल अलग से आप बना सकते हो या अपने काम के लिए आप वर्किंग स्पेस भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों चिल्ड्रेंस बेडरूम में आपको वार्डरोब निश भी दिया गया है और ये एक्स्ट्रा स्पेस है जहाँ पर ऑलरेडी वार्डरोब्स के कॉलम्स बने होते हैं, आपको सिर्फ बाहर से वार्डरोब का दरवाज़ा लगाना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ जो रिटेल प्लाजा है उसके एग्जैक्टली फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस दिया गया है। अदर एमिनिटीज में आपको फिटनेस सेंटर मिलता है और इन डिटेल अगर एमिनिटीज देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्लब हाउस दिया गया है, स्विमिंग पूल एंड किड्स पूल होगा, प्रॉपर जिमनेजियम होगा, मल्टीपर्पज हॉल और कॉमन फैसिलिटीज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट मैनेजमेंट, सोलार पावर बैकअप फॉर कॉमन एरियाज, कॉमन ईवी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और ब्रांडेड कंपनी का लिफ्ट दिया गया है बिल्डिंग में जो कि जॉनसन कंपनी का होगा और इक्विवेलेंट टू डैट। इसके अलावा दोस्तों फ्लैट्स के अंदर जितने भी सीपी सैनिटरी फिटिंग्स है सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स दिए गए हैं और उसके अलावा भी पूरे फ्लैट में टैप सिंक पेंट मेन डोर लॉक वगैरह सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स हो गए इसमें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग कुछ ग्लिम्सेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रिटेल प्लाजा है जो कि बिल्डिंग के बाहर की तरफ दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी बड़ा सा एमिनिटी स्पेस दिया गया है। सो दिस इज़ वन वे इमेज ऑफ द रिटेल प्लाजा। तो फ्रंट साइड में सीधा आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में रिटेल प्लाजा है और लेफ्ट साइड में आप देखेंगे इट इज़ ड्राइववे इन टू द कॉम्प्लेक्स। So this is the image of the swimming pool with sun deck, sitting arrangement and plenty of lush greens around. और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कुछ sitting pergolas भी दिया गया है, again with plenty of plantation around. और finally दोस्तों आते हैं इसके unit plan के ऊपर। तो यहाँ पर A2 में हर एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट है और सभी 2BHK के फ्लैट्स है। तो 2BHK का जो कारपेट एरिया होगा वो 852 कारपेट एरिया है जिसका प्राइस शुरू होता है 92,87,000 इंक्लूसिव ऑफ ऑल अदर चार्जेस। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का होगा December 2025 में। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए और बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल बिकॉज शेयरिंग इज कैरिंग एंड सी यू अगेन विद वन मोर डेवलपर वन मोर प्रोजेक्ट वेरी सून। Bye-bye. Take care.